हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग तो उसमें मर्जर का सम एकदम घुमाव फिरा के आता है, राइट? तो अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बेस्ड सम है तो कैसे सॉल्व करने का जाओ। तो एक ओमेगा एक अल्फा है, पहले देखने का कौन किसको खरीद रहा है, कौन बाप है कौन बेटा है। तो ओमेगा लिमिटेड इज इंटेंडिंग, सोच रहा है किसको एक्वायर करने के लिए, अल्फा को। तो ओमेगा किसको खरीद रहा है, अल्फा को, है ना। तो इसमें क्या होगा भाई, जो ओमेगा के पास 1,10,00,000 शेयर है ना, वो तो है, उसके अंदर अल्फा का भी शेयर्स रहेगा। तो ओमेगा के पास क्या होगी, शक्ति बढ़ जाएगी, राइट? तो कितनी शक्ति बढ़ेगी, क्या होएगा, तो अर्निंग पर शेयर निकालने का प्रेजेंट भी, फिर अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने का, फिर मेन थर्ड और फोर्थ है। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छे से आ जाओ, ठीक है? सब बना के रखा, टेंशन मत लो, आ जाओ। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर, प्रेजेंट मतलब अभी का। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे कितना कमा रहे। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो एक ओमेगा एक अल्फा है, तो सबसे पहले भी हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर कितना, ओमेगा के बाद 10,00,000, और अर्निंग कितना है 50,00,000, और मार्केट वैल्यू दिया है, मार्केट प्राइस 42, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है। ये इन्फॉर्मेशन से पूरा पैराग्राफ सॉल्व करना है, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अभी हम लोग किसका फाइंड कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर ओमेगा का। तो अर्निंग लिखेंगे, राइट? तो व्हाट इज अर्निंग, 50,00,000। अर्निंग कितना है 50,00,000, 1,2,3,4,5,6,0, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, माने नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कितना है 10,00,000, नंबर ऑफ शेयर कितना है 10,00,000, ओके, 1,2,3,4,5,6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 5। तो ओमेगा का अर्निंग पर शेयर कितना है 5। सेम अपने को अभी किसका कैलकुलेट करना है, अल्फा। तो 18,00,000 डिवाइड बाय 6,00,000 है ना, 18,00,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 6,00,000। तो इसका अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट? तो ये क्यों फाइंड किया हमने, बिकॉज उन लोगों ने पूछा था, सिंपल प्रेजेंट बोला, मतलब जैसा है वैसे सॉल्व करो, अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। फिर वापस से प्रेजेंट पूछा, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या पूछा है, मतलब एक शेयर के पीछे लोग कितना रुपया दे रहे हैं खरीदने की ताकत। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट ऊपर आएगा, अर्निंग नीचे आएगा। तो पहले ओमेगा का सॉल्व करेंगे, फिर अल्फा का सॉल्व करेंगे। तो ओमेगा का मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 42, है ना, 42 लिखेंगे। एंड व्हाट इज अर्निंग पर शेयर, 5। अर्निंग पर शेयर कितना है, 5। तो 42 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो यू विल गेट 8.4 टाइम्स, मतलब एक शेयर के बीच अपने को इतना रुपया देना पड़ रहा है, इतना गुना ज़्यादा है। वैसे अल्फा का फाइंड करो ना, तो मार्केट प्राइस कितना दिया क्वेश्चन में दोस्त, 28 लिखेंगे। और अर्निंग पर शेयर कितना है इसका, 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9.33 आएगा, 9.3। जिसका पीई रेशियो ज़्यादा, प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा, वो शेयर उतना महंगा है, और जिसका कम उतना सस्ता होता है, ठीक है। तो ये क्यों निकाला, क्योंकि इधर पूछा था। अब थर्ड क्वेश्चन तुमको एग्जाम में कंफर्म पूछता है, जिसके लिए पूरा एक पेज लमसम जाएगा। इधर क्या बोला, इफ़ द प्रपोज मर्जर टेक प्लेस, अगर मर्जर हुआ तो व्हाट विल बी न्यू अर्निंग पर शेयर, वापस से न्यू अर्निंग पर शेयर निकालना है फॉर ओमेगा दैट द मर्जर टेक प्लेस बाय एक्सचेंज। ये वर्ड इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर रेशियो इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। तो एक्सचेंज हो रहा है किसके सबसे, मार्केट प्राइस के साथ, एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। तो अब इधर क्या करना है अपने को मालूम है क्या, तो जो कंडीशन था मैंने यहाँ पूरा लिख दिया, क्या लिख दिया, न्यू अर्निंग पर शेयर फॉर ओमेगा लिमिटेड आफ्टर प्रपोज मर्जर बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस कितना दिया है ओमेगा का, 42, और अल्फा का कितना दिया है, 28। ओमेगा क्या एक बाप है, और ये समझो बेटा है, छोटा हो गया ना, क्योंकि ओमेगा इसको खरीद रहा है। तो दोनों का मार्केट प्राइस अलग अलग ट्रेड हो रहा है, राइट? अभी हम लोग ये देखेंगे, अल्फा के पास टोटल शेयर कितना है, 6,00,000 है। 10,00,000 अपन ओमेगा है सपोज, 10,00,000 तो अपना है, और 6,00,000 में भी अपना हिस्सा है, 6,00,000 में भी अपना हिस्सा है। तो वो हिस्सा मार्केट प्राइस के हिसाब से डिपेंड है, राइट? तो अपने पास मार्केट नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल 6,00,000 शेयर से, कितना शेयर से, 6,00,000। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना अपने को ये मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, कितना शेयर्स अपने को अलॉट होगा, 6,00,000 से कितना मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 6,00,000 डालने का, ओके, ऊपर किसका आएगा मालूम है क्या, अल्फा का आएगा, और नीचे किसका आएगा, ओमेगा का आएगा। ऊपर अल्फा आएगा, नीचे ओमेगा, मतलब जो एक्वायर कर रहा है, जो खरीद रहा है वो नीचे आएगा, और जो बिक रहा है वो किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, यू विल बी गेटिंग 4,00,000 शेयर्स, कितना शेयर्स होएगा, 4,00,000 शेयर। इसका मतलब क्या है कि ये 6,00,000 में, ये 6,00,000 में 4,00,000 शेयर ओमेगा का, 4,00,000 किसका है, ओमेगा का, और 2,00,000 किसका है, अल्फा का। तो ओमेगा के पास शेयर्स बढ़ जाएगा, 10,00,000 भी बढ़ जाएगा और 4,00,000 भी हो जाएगा। तो भी अपने को क्या फाइंड करना है, टोटल शेयर्स, क्या फाइंड करना है, टोटल शेयर्स। तो ओमेगा के पास 10,00,000 शेयर तो पहले से था,
कितना शेयर था 10 लाख, और अपन ने किसको परचेस किया, अल्फा को, तो अल्फा को खरीदने के बाद अपने को कितना शेयर्स मिला, 4 लाख, तो टोटल शेयर कितने हो गए, 14 लाख शेयर्स, टोटल कितने शेयर हो गए, 14 लाख शेयर्स, है ना, 14 लाख बोले तो 50, 1, 2, 3, 4, 5, अभी प्रॉफिट भी अपन टोटल ऐड कर देंगे, दोनों का प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो अपना नेट प्रॉफिट कितना, अर्निंग आफ्टर टैक्स 50 लाख, और उसका कितना है 18 लाख, दोनों का प्रॉफिट जोड़ देंगे, दोनों का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो अपने को कंबाइंड प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज 50 लाख ओमेगा का है और अल्फा का कितना है 18 लाख, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया अपने पास 68 लाख, क्या है 68 लाख टोटल प्रॉफिट है। अब अपना क्वेश्चन आया न्यू अर्निंग पर शेयर ढूंढना है ऑन एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस, तो फॉर्मूला तो वही है अर्निंग आफ्टर टैक्स जोड़े हुए नंबर ऑफ शेयर, तो अभी इसमें क्या लेंगे, दोनों कंबाइन करके लेंगे तो टोटल अर्निंग लेंगे, तो टोटल अर्निंग कितना है 68 लाख, ओके, और टोटल शेयर कितना है 14 लाख, टोटल शेयर कितना है 14 लाख, मतलब 10 लाख था उसके पास शेयर और अल्फा को खरीद के 4 लाख एक्स्ट्रा मिला, तो उसके पास 14 लाख शेयर हो गया ना, और दोनों का प्रॉफिट जोड़ दिया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अर्निंग पर शेयर चेंज हो गया 4.85, ये न्यू अर्निंग पर शेयर है, क्या ये न्यू है आफ्टर मर्जर, मर्जर होने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर नंबर ऑफ शेयर और प्रॉफिट को क्लब करके अपनों को नया अर्निंग शेयर मिला। अब अपने को ये ढूंढना है इसकी अर्निंग कितनी होगी, ओमेगा कंपनी का फ़ायदा कितना हो गया, तो टोटल अर्निंग ऑफ ओमेगा, ओमेगा जो बाप है जिसे किसको खरीदा, अल्फा को खरीदा, तो उसके बाद नया शेयर कितना है 4 लाख, नया शेयर कितना है 4 लाख, और क्या प्राइस में मिला, अर्निंग पर शेयर कितना है 4.85, अर्निंग पर शेयर कितना है 4.85, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, अभी अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल अर्निंग मिल जाएगा, उसको मर्ज करने के बाद अपना इतना फ़ायदा हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई 1942857.14, तो हो गया टोटल अर्निंग ऑफ ओमेगा अवेलेबल टू न्यू शेयर होल्डर, क्योंकि नया 4 लाख मिला, नया शेयर मिला ना 4 लाख, तो ये वाला क्वेश्चन था तुम्हारा थर्ड था। अब फोर्थ क्या बोला है, व्हाट शुड बी एक्सचेंज रेशियो, फिर से एक्सचेंज रेशियो निकालो, वॉन्ट्स टू एंश्योर सेम ई पी एस टू मेंबर बिफोर मर्जर टेक प्लेस, मतलब एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर, किसके हिसाब से निकालना है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, तो अभी ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, एक्सचेंज रेशियो टू वॉन्ट सेम अर्निंग पर शेयर प्री मर्जर, तो ओमेगा और अल्फा, तो ओमेगा का अर्निंग पर शेयर कितना था 5 और अल्फा का कितना था 3, 5 और कितना लिखा 3 लिखा, और टोटल शेयर्स कितना था अल्फा के पास 6 लाख शेयर था, शेयर्स कितना 6 लाख ना, तो 6 लाख में ओमेगा को कितना हिस्सा मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर, तभी क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो जिसको हम लोग खरीद रहे उसका शेयर लिखने का और जो बाप है उसका नीचे डालने का, बेटे का ऊपर डालने का, राइट, याद रखने का, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल शेयर्स मिला 360,000 शेयर, कितना शेयर मिला 360,000, तो ओमेगा बाप के पास 10 लाख शेयर पहले से था और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से उसको 360,000 शेयर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा 1360,000, है ना 1360,000, तो अपने को इसमें वापस न्यू अर्निंग पर शेयर ढूंढना पड़ेगा ऑन दी एक्सचेंज रेशियो ऑफ अर्निंग पर शेयर, तो EAT मतलब टोटल प्रॉफिट कितना 68 लाख है, टोटल प्रॉफिट कितना है 68 लाख है, एज यूजल दोनों को ज्वाइन करने का है, दोनों को ज्वाइन करने का, बट इधर नंबर ऑफ शेयर कितना था 14 लाख था क्योंकि ये मार्केट प्राइस के हिसाब से था, और इधर नंबर ऑफ शेयर कितना है 10 लाख और 360,000 1360,000, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, फिर इसकी अर्निंग ढूंढेंगे, इन लोगों का नया शेयर कितना मिला 360,000, इन लोगों का कितना शेयर मिला था 4 लाख मिला था, इन लोगों को कितना मिला 360,000, और अर्निंग पर शेयर कितना है 5, अर्निंग पर शेयर कितना है 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 लाख हो रहा है, तो वैल्यू कितनी चेंज हुई 18 लाख, इधर कितना मिल रहा है 19, इधर कितना मिल रहा है 18, ये किसके हिसाब से था मार्केट प्राइस के हिसाब से और किसके हिसाब से था अर्निंग पर शेयर, तो फिर आंसर क्या आएगा, एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, मतलब ये वाला इज बेनिफिशियल टू शेयर होल्डर ऑफ अल्फा, तो ये क्या सॉरी क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस से जो भी एक्सचेंज रेशियो होगा वो अल्फा को फायदा रहेगा, इसमें फायदा नहीं होगा, तो ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा भाई, इसका स्क्रीनशॉट मस्त में ले लो, और एक बार स्टार्टिंग से फिर से तो बहुत बेकार समय है, उस फॉर्मूला में ऐसे पैराग्राफ है तो थोड़ा बहुत ट्राई किया, ठीक है, बाकी आपको ट्राई करने का था, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।